चंबा मुख्यालय में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक के बाद एक आवारा कुत्तों के काटने से घायल हुए मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। जानकारी के मुताबिक कुत्तों के एक झुंड ने दर्जन भर स्कूली बच्चों के साथ बड़े लोगों को अपना शिकार बना डाला, जिन्हें तुरंत चंबा के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल हुए बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि आज की इस घटना में ज्यादातर छोटे छोटे स्कूली बच्चे घायल हुए हैं, जिसके बाद से सभी में डर का माहौल बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से जल्द कुत्तों को पकड़वाने की मांग उठाई है। बच्चे हैं बहुत ज्यादा, छोटे छोटे बच्चे जिनको ज्यादा चोटें आई हैं, और कुछ बच्चों के तो स्टिच कम से कम तीन तीन चार चार स्टिच लगे हुए हैं, और स्कूल से आते हुए जो तीन तीन चार चार साल के बच्चे हैं उन्हें भी चोटें आई हैं। तो इसमें विभाग से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उन पर एक्शन लें, उनको पकड़ लें, ताकि बाजार में खुलेआम चलना, जो डर रहे हैं सारे बच्चे उनको चलने में तो कुछ फायदा मिल सके। और मेरे कुलीग के रिटायर ब्रिगेड सुपरिटेंडेंट है मेरे कुलीग अनिल कुमार जी, जैसे हम किसी पेशेंट को देख के हॉस्पिटल गेट के बाहर पहुँचे तो एक पागल कुत्ता ब्राउन कलर का सीधे उनके मुँह के ऊपर झपटा और पूरा ओंठ का जो है पीस काट के ले गया, और कम से कम 16 सारा केस जो है मेरे सामने यहाँ पे डॉग बाइट के आए। तो मैं नगर निगम नगर परिषद चंबा से निवेदन करना चाहूँगा कि स्ट्रिक्ट एक्शन जो है, या कुत्तों को मार दे या कुछ करे। ये स्कूल के बच्चे में जो अभिभावक भावक हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों को लेने खुद जाएँ, अदरवाइज भी कुछ भी हो सकता है। तीन चार तो मेरे सामने बच्चे आए जिनको डॉग बाइट हुआ। वहीं स्वास्थ्य प्रशासन के MS डॉक्टर देवेंद्र ने बताया कि कुछ मरीज जिनको कम चोटें आई हैं उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है, और बाकी गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज चल रहा है। आज दोपहर में कुछ डॉग बाइट के केस आए हैं जो 10 के 11 के बीच में हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और थोड़े एडल्ट्स भी हैं। कुछ को माइनर इंजरीज हैं और कुछ को जो है वो थोड़ी सीरियस इंजरीज हैं, और उसमें ज़्यादातर लोगों को वैसे घर भेज दिया गया है, और कुछ जो है वो उनको स्टिचिंग और थोड़ा सा जो उनका फर्दर ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। उसका एक डेफिनेट शेड्यूल होता है, इसमें 5 से 6 तक जो है वो बूस्टर के साथ इंजेक्शन लगते हैं, तो सब हमारे पास अवेलेबल हैं और लग रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज हिमाचल।